प्यारी संगत जी से आज दो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, एक गुरु जी से अटैच होने से पहले और एक गुरु जी से अटैच होने के बाद। गुरु जी से अटैच होने से पहले मैं न्यूयॉर्क में रहता था 17 ईयर। लाइफ इज गोइंग ऑन, काम करना, जॉब करना, घर आ जाना। 2010 में मैंने एक बिजनेस लिया, 2014 में मैंने सब कुछ लॉस कर दिया, जो भी अर्न किया था सब एक ही रात में लॉस हो गया सैंडी के टाइम पे। 2014 में हम यहाँ पे मूव हो गए एडिसन मंदिर से हाफ माइल अवे। तो मेरी सिस्टर दिल्ली में रहती थी, उसने बोला कि तुम गुरु जी के मंदिर में जाओ। हमने आज तक ऐसा कोई नाम नहीं सुना, और वैसे भी मैं किसी मंदिर में जाना ज़्यादा बिलीव नहीं करता था, पर मेरी आंटी शुरू से ही काफ़ी जहाँ पे भी इनको बोलोगे चले जाएंगे, पर इंसान के हालात भी इंसान को लेके जाते हैं जब आप टूटे हुए होते हो, भले मेंटली या फिजिकली। हमने मंदिर में जाना शुरू किया। मंदिर से जाने से पहले जब मैं न्यूयॉर्क में था, तो न्यूयॉर्क में मैंने अपनी बेटी की शादी रखी, उस टाइम सैंडी में मेरा सारा बिजनेस भी लॉस हो गया, शादी रखी, अब पास में इतने रकम नहीं थी कि लड़की की शादी कर पाता। मैंने लड़के वालों को बोला भी मेरी हैसियत इतनी नहीं है, पर फिर भी जो होगा मैं करूँगा। खैर दिल्ली गए, दिल्ली में शादी की, जो भी था मेरे पास मैं लेके गया। और आप विश्वास करोगे, मैं शादी करके जब वापस आ रहा था, जितना मैं लेके गया था उससे ज़्यादा मैं वापस ले गया। आई डोंट नो ये कैसे हुआ। मेरे माता जी मेरी बेटी की शादी वाले दिन हॉस्पिटल में थे, आई डोंट नो, शाम को डिस्चार्ज हुए और उनको एक बार मंदिर में लेके गए, उनको वहाँ का लंगर प्रसाद खिलाया। वो चल भी नहीं सकते थे और एमरजेंसी रूम में थे, वो आज तक बिल्कुल ठीक है। एक बार प्रसाद, चाय प्रसाद खाने के जयपुर। जब हम यहाँ पे मूव हुए तो कुछ नहीं था, किसी के साथ एक ऑफिस में हमने ऑफिस शेयर किया, आई डोंट नो, मंदिर में कनेक्ट हुए, उधर से बिजनेस चलना शुरू हुआ। आज मेरे पास अपना घर भी है, 4 साल के अंदर सब कुछ है, जय गुरु। जो मैंने कभी नहीं देखा था वो भी मेरे पास है आज। फर्नीचर लेना था, सोचा कि फर्नीचर कहाँ से लेंगे, घर में मूव होंगे, ये सब कहाँ से आएगा। घर में मूव होने से पहले 2 दिन पहले ही कोई क्लाइंट आया, उसने बोला कि मेरा होलसेल का बिजनेस है यहीं पे फर्नीचर का। एक तुम कहते हम बड़े स्टोरों को सप्लाई करते हैं, लोकल किसी को हम नहीं देते। तो कहते पर आपको, आपने घर लिया तो हम आपको फर्नीचर दे देंगे। हम उनके वेयर हाउस में गए, जैसे ही एंटर किया आगे एक चेयर पड़ी हुई थी। मैंने कहा ये चेयर गुरु जी के लिए परफेक्ट है, क्योंकि हमने चार रूम का हाउस लिया है, एक रूम तो गुरु जी का हो गए है क्या। एक बेटी अनमेरिड है, एक की शादी की हुई है, एक गेस्ट रूम हो गया, तो 4 बेडरूम एक गुरु जी का। मैंने कहा ये चेयर परफेक्ट रहेगी गुरु जी के रूम के लिए। तो उनको बोला भी हमें ये चेयर चाहिए। फर्नीचर देखा, फर्नीचर तो पसंद आया, तो उनको बोला हमें सबसे पहले ये चेयर चाहिए। कहते ये चेयर आउट ऑफ स्टॉक। हमने कहा चलो यही दे दो। कहते ठीक है। तो उन्होंने बात की कि आपको चेयर किस लिए चाहिए। कहने हमने अपने गुरु जी के लिए लेनी है। कहते गुरु जी के लिए लेनी है। तो जो वहाँ रिसेप्शनिस्ट थी उसने अपने बॉस को फ़ोन किया, कहते जी इनको चेयर चाहिए, वो डिस्प्ले मॉडल दे दें इनको। कहते किस लिए चाहिए उनको। कहते वो कह रहे जी किसी गुरु जी के लिए चाहिए। गुरु जी के लिए चाहिए, अच्छा कोई बात। उनको बोलना कि अभी चेयर पे कोई पैसे नहीं लगेंगे। सिर्फ एक पैनी ली उन्होंने, सिर्फ एक पैनी उस चेयर के लिए। और वो चेयर आई डोंट थिंक सो कि किसी शोरूम में भी वो मिल सकती है। जय गुरु जी। तो आज सब कुछ है, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जो भी आपने बुलवाया मैंने वही बुला गुरु जी। जय गुरु जी।